शिवपुरी में सरकारी पाइप फटने के कारण मनीखेड़ा की पाइप की लगभग 5 दिन से सप्लाई शहर में बंद है। अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों ने सुध नहीं ली है। शहर की जनता एक एक बूंद पानी के लिए भटक रही है। पानी का 3000 का कनेक्शन लेने के बाद भी हर वार्ड में जनता प्यासी है, जबकि पानी के बिल भी लगातार हर महीने कुछ लोग भर रहे हैं। इधर नगरपालिका के भी सरकारी वोर मर चुके हैं, जबकि नगरपालिका हर साल एक टैंकर पानी की पियाऊ, एक टैंकर पेड़ पौधे के लिए, एक टैंकर एक महीने के लिए मस्जिदों के लिए भी नगरपालिका हर साल लगाती थी, जो इस साल तीनों टैंकर नहीं लगाए, जिससे पानी की व्यवस्था डगमगा गई। ऐसी कड़कड़ाती गर्मी में बोर्ड भी खराब होने के बाद शिवपुरी कलेक्टर, नगरपालिका सीएमओ ने मात्र 4 सादा टैंकर, 2 लेजब वाले टैंकर, कुल 6 टैंकरों से कड़ी मेहनत से शहर की जनता की प्यास बुझाई। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है रोहित कुमार लोट। जी, पानी की अभी 3-4 दिन से बहुत काफी समस्या है, एकदम अचानक आ गई। जी, कैसे समस्या आ गई और कैसे आपने इसका समाधान करा? जी, समस्या इसलिए आई है कि तो मनीखेड़ा की लाइन जो चलती है उससे शहर में बहुत रात है, जो कि महाराज साहब की देन है जी, उसमें संघिया जी की, हमारी महाराज साहब की जी। तो ये बंद होने से क्या है कि पूरे शहर में मेन पानी की यही उपलब्धि जी। तो ये बंद हो गई, इससे इस चक्कर में पूरे शहर में पानी की दिक्कत आ चुकी है जी। और हमने इसकी समाधान से भी बनाया कि हमको ऊपर से निर्देश आया हमारे कलेक्टर साहब का, उसमें हमारे महावीर जैन साहब हैं और अवस्थी जी, हमारे सीएमओ साहब जी, और जो हमारे और भी हमारे अधिकारी हैं जैसे कि हमारे कुरेशी बाबू जी, SI साहब, इन लोगों ने 3 दिनों में इतनी भागदौड़ करके जो सुनने में आ रहा, 3 दिन ज्यादा बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई है, उनको दिन तक बुलाइए उतना परेशान। तो आपने जनता की किस तरीके से प्यास बुझाई? जी, हमने टैंकरों के, कितने टैंकर हैं आप पे, किस तरीके से? मतलब टैंकर है सिर्फ 8, उसमें 2 लेजम वाले हैं जी और 4 सप्लाई वाले हैं। तो इनसे हमने, जो कि ईद के माहौल चल रहा था, ईद के माहौल में पानी की व्यवस्था कहीं, हाँ, दो त्यौहार होने के कारण, हाँ, तो फिर भी हमने उनकी पूरी व्यवस्था बनाई है, जो कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नहीं बोला कि नई व्यवस्था बनी हुई है। टैंकरों के माध्यम से हमने सबके जो पूर्ति होती है पूर्ति कराई है पानी की। और लेम वालों से हमने, जो कि आज परशुराम जयंती है उसके मौके पर भी 2-2 त्यौहार इकट्ठे पड़ने से व्यवस्था भंग हो गई, फिर भी हमने उनकी व्यवस्था पूरी कराई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।